हमारी लड़की जो है इतनी इतनी थी, हम प्रधान के पास गए, हमने कहा एक लैट्रिन बनवा दो, बहुत गरीब के बच्चा है, हमारे बच्चे मैदान में जाते हैं लैट्रिन करने के, प्रधान ने कहा ऊंची समाज वाले कुछ नहीं आता है, आज तक का न मुझे लैट्रिन मिली, न कॉलोनी मिली, न रास्ता मिला, और यहाँ लोग कह रहे हैं कि हमने इतनी कॉलोनी दे दिया, उतनी कॉलोनी हम लोग की आई है। चलिए मैं आपसे बात करती हूं, आपसे मैं बात करती हूं, देखिए आपने बोला कि आपसे मुलाकात होती है, आपकी बातें सुनती है, मेरी बात ठीक है, सुनती है, मैं मानती हूँ सुनती है, मानती हूँ सुनती है, चलिए सुनती होंगी, आपके व्यक्तिगत मामले होंगे, बताइए, लेकिन एक बात बताइए, ये जो सारे लोग खड़े हैं यहाँ पे, ये यही बस्ती के हैं, ठीक है, नहीं इनकी मिसाल गाँव के पूरे नहीं है, दूसरे गाँव के भी, अच्छा ठीक है, चलिए दूसरे गाँव के है तो सुल्तानपुर की है, तो सुल्तान की ना, यही की है ना, यही की रहने वाली है, अब मुझे ये बताइए कि यहाँ की है तो आपकी बात सुनती है, आपकी बातचीत होती है, बातचीत होती है, ये सारे जो लोग हैं क्या इन लोगों की बात नहीं सुनेंगी, ये जाएंगे, कौन सुनेगा, नहीं जाएंगे, जाएंगे बात तो ठीक से करती नहीं है वो, कोई चीज समस्या बताओगे, मैम ये बोल रहे हैं कि 216 कॉलोनी मिली है, आप एक काम करिए, इनको लेके, इनको लेके इन्होंने बोला 216 कॉलोनी मिली है, शौचालय भी मिला है, और ये प्रधान के खिलाफ एप्लीकेशन डाले कि कॉलोनी कहाँ है, शौचालय कहाँ है, मैंने कोई, देखिए देखिए, मैंने कोई एप्लीकेशन प्रधान के खिलाफ नहीं दी है, ये कह रहे हैं अपनी तरफ से, सुनिए मैंने सिर्फ जो है ये पूछा था जन सूचना अधिकार से कि कार्य कितना हुआ, क्या क्या हुआ, बस, चलिए और एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, कल उनकी कुछ जनसभाएं थी जी, आज वो होंगी अपने आवास पे, आज नहीं आवास, कल होंगी, अब होंगी, हम बताएंगे कब होंगी, इन सबको लेके आप जाएंगे, हाँ चले ठीक है, आप सारे लोग अपनी परेशानियां लेके जाएंगे इनके साथ, आप अपनी बात रखे बुलवा दे, अभी तक नहीं आएंगे तब क्या आएंगे, जब अभी तक नहीं आए तो अब क्या आएंगे, आपका नाम, नाम क्या है, मेरा नाम आफ्ताब हुसैन, आफ्ताब जी हाँ बताइए, हम कह रहे हैं अभी तक नहीं आई जमीन का जी, तो अब इलेक्शन क्या, ये हाँ ये लेके जाएंगे, ये लेके जाएंगे, वो मतलब उनका कोई फर्ज नहीं बनता है, वो हमारे हमारे जो है सांसद नहीं है, हमारे यहाँ की, हमारे यहाँ की सांसद नहीं है, उनका फर्ज नहीं, जनता जनता बेरोजगारी इतनी इतनी बढ़ गई है कि हम लोग त्रस्त हो चुके हैं, और उसके बाद पेट्रोल देखो 70 रुपए था, 100 रुपए हो गया, सरकार बोलती है कि अल्पसंख्यकों के लिए इतनी योजना उन्होंने निकाली और सबका लाभ आपको मिल रहा है, सिर्फ लॉलीपॉप मिला है, सिर्फ लॉलीपॉप मिला है, खाली खाली जुमला देते हैं, वो जुमला प्रधानमंत्री आवास योजना का सबसे ज्यादा लाभ आपको मिल रहा है, बहुत मिल रहा है, देख तो रही हैं आप, क्या 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 इनको मिला होगा, इनको मिला होगा, और पूरी जनता यहाँ, हम कह रहे हैं एक को मिला है, आप निन्यानबे परसेंट यहाँ पे, 99% यहाँ पर नहीं मिला, एक आदमी को मिल गया है, इन्हीं को मिला होगा, और 99% नहीं मिला है, ये कह रहे हैं ले जाने की बात कर रहे हैं, आप यहाँ से जाइए, उसके बाद ये भी गायब रहेंगे, न ये मिलेंगे न मेनका गांधी, अभी तैयार हो, अभी चले, कॉलोनी में भी भेदभाव हो रहा है, हमारे यहाँ जो मुस्लिम कम्युनिटी है, गरीब लोगों उनको कॉलोनी नहीं मिला, यहाँ पैसों 3 बार से कॉलोनी गवर्नमेंट ने दिया, वो एससी एसटी या जो उनको मिली कॉलोनी, मुस्लिम कम्युनिटी को नहीं मिली, उनको वो आपके ग्राम सभा में, तेरी ग्राम सभा में नहीं हुआ, आपकी समस्या का हल करें, आपका फोन उठाती है, हाँ नहीं नहीं फोन हमारा नंबर नहीं, मेरे छोटे वाले फोन पे नंबर है उनका या विधायक जी का, मेरे इसमें फोन, विधायक जी उठाते हैं, हाँ विधायक जी उठाते हैं, मेरे पास छोटा वाला जो है मोबाइल जो है उस पे नंबर है, इस पे नहीं है, यही फोन करिए, 2 मिनट रुक जाइए, तो क्या करें, बुला के क्या फोन करिए, नहीं बात हमसे जैसे होती है सब जानते, सब जानते, जब बुलाया मैंने विधायक जी को यहाँ पर इससे पहले, तो कुछ लोग बदतमीजी से पेश आते हैं, और हम अपनी बेइज्जती कराएंगे, क्यों बुलाएंगे, क्यों बुलाएंगे, ये सलाम भाई आपको, ये विधायक जी ने दी है, अभी विधायक से कौन बदतमीजी, प्रधानमंत्री ग्रामीण रोजगार योजना में बनी हुई सड़क है, विधायक जी का इसमें कोई रोल नहीं है, 2014 की ये नई नई पेंटिंग, एक साल हुआ क्यों, अरे तो पेंटिंग तो, अरे भैया कपड़ा फटेगा, इसका नवीनकरण हुआ था।